Which can be, तो न बी मतलब कुछ डाउट होते हैं ना मतलब वो डाउट भी क्लियर हो गया तो so प्रेशर so, क्या है प्रेशर इज ऑलमोस्ट सिर टू देश लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ा सा एक दो लाइन एक दो वर्ड्स का डिफरेंस है क्या डिफरेंस है वही फोर्स मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग एक पुश और अ पुल दैट लीड्स टू फोर्स फोर्स का यही डेफिनेशन है अब प्रेशर मतलब हम लोग एक जगह पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे पुश और पुल नहीं एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप लोग नहीं लिखते हो टीचर पूरा आंसर काट देगी एक मतलब फिजिक्स में ना दो तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्टिकुलर एरिया मतलब एक फोर्स अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करते हैं उसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं तो जान चलिए अब क्या प्रेशर में में बुक क्या है हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ट्राई टू तो पुश ने वुडन प्लैंक बाई मतलब ऊपर का जो होता है ना गोल जैसा उसे हम लोग वुडन प्लैंक में अगर ठोकते हैं वो जाएगा अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसका एरिया बड़ा है उसका एरिया ऐसा होता है गोल जैसा वो जाएगा अंदर प्लैंक के अंदर एक तो लंबा सा प्लैंक है सपोज इस प्लैंक के अंदर जाएगा हथौड़ी से ही जाएगा नहीं जाएगा अगर हम लोग उसे सपोज उसका बैक साइड पार्ट मतलब ऐसा पॉइंटेड पार्ट होता है ना जो ऐसे नेल होता है पॉइंटेड पार्ट ये पॉइंटेड पार्ट से अगर हम लोग प्लैंक में जाए थे तो easily चला अंदर। हम को without doing hole, अगर हम लोग इस हेड पार्ट को अंदर लाना है तो इसके अंदर तो हम लोग को एक फैले होल करना पड़ेगा फिर उसको अंदर देना होगा अगर हम लोग इस पॉइंटेड रीजन से कोई होल करने की जरूरत नहीं वो खुद बखू अगर हम लोग हैमर से या हथोड़ी से मारते हैं वो खुद खुद इधर होल हो जाएगा क्योंकि देखो इसका एरिया और इसका एरिया डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा बड़ा है एरिया उसका लार्ज है एंड इन दिस केस द एरिया इज स्मॉलर सो हम लोगों ने इस एग्जांपल से क्या सीखा द स्मॉलर द एरिया द लार्जर द प्रेशर एग्जैक्ट जितना बड़ा एरिया होगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा ये चीज और एकदम समझ लो ये चीज जो समझ गया उसका प्रेशर पार्ट भी हो गया कुछ नहीं है जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा ये चीज याद रखना नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक यहां पे भी देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो अगर चीज है तो ये वाला जो सूटकेस केस है इसका एरिया बड़ा है इसलिए पहले उसको रखा है माथे के ऊपर पहले उसको रखा है फिर बैक को रखा है इससे इससे क्या होता है इसका एरिया बड़ा है दिस इज लार्जर वन ये लार्जर है ना और ये तो स्मॉल है उसका एरिया एरिया तो स्मॉल है तो इससे क्या होता है मैंने अभी क्या बताया जितना बड़ा एरिया उतना कम प्रेशर जितना स्मॉल एरिया उतना ज्यादा प्रेशर इसमें स्मॉल एरिया होगा तो ज्यादा माथे के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा ना इसलिए बड़ा सूटकेस में प्रेशर कम होता है उसके ऊपर इसको रखा है क्योंकि प्रेशर कम होगा इसलिए अगर पॉटर कैरीज अ हेवी लोड ऐसे प्लानिंग करके हेवी लोड लेते है, तो हो जाता वरना अगर इसको पहले रख इस चीज को पहले रखते थे तो बहुत दर्द होता मतलब तो कोई कैरी नहीं कर सकते Now, हम इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले मतलब प्रेशर पार्ट में एग्जांपल्स में ही समझा सकते हैं ये डेफिनेशन पार्ट से समझाना बहुत टफ है मतलब तो, तो कुछ नहीं है ये डेफिनेशन जस्ट नथिंग एक ही चीज क्या है द स्मॉलर द एरिया द लार्जर द प्रेशर

हम लोग फॉर एग्जाम्पल वाटर ले रहे थे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड वाटर का प्रेशर होता है ना जिनको नहीं, नहीं पता है मैं फिर भी एक example लेके आप लोग को बता देता हूँ कि वाटर का लिक्विड का या वाटर का प्रेशर सपोज आप लोग एक काम करना कोई बीच बीच एरियाज में सब लोग घूमने गए होंगे एक बार ना दो बार तो बीच एरियाज में क्या कर सकते हैं देखना वाटर क्या करता है उसे छोड़ो वो वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो और इजी एग्जांपल हम लोग जब पूजा पूजा के टाइम क्या करते हैं जब विसर्जन के टाइम तो एक पॉन्ड में या लेक में विसर्जन कर देते हैं फिर एक दो तीन हफ्ता बाद कोई दो तीन आदमी आता है उस चीज को मतलब जो वो चीज होता है जिससे बनाया हो जाता है उस चीज को उठा के रख देते हैं बाहर में या लेके फिर रिसाइकल करके फिर अगले साल के लिए भगवान मतलब अगले साल के लिए रेडी करते हैं ऐसा होता है ना मैंने भी देखा है बहुत ने देखा होगा ये तो जब हम तब, जब हम हम लोग तब या क्लब में रहता है या घर में जिसका पूजा होता है तो तब देखना हाँ तब क्या बोलता हूँ हल्का होता है कंपेरेटिवली अगर जब पौन से एक दो हफ्ता बाद हम लोग उसे बाहर निकालते हैं रिसाइकल पर्पस तो तब क्या होता तो उसका बहुत ज्यादा वेट हो जाता अब वाई ना ये क्वेश्चन कैन कम क्यू वाई क्यू एक ही तो चीज है सिर्फ ये दो हफ्ता पानी में रहा इसलिए वेट बढ़ गया उसका क्यू कैसे संभव है ये क्योंकि वाटर क्या करता है लेक में ना बहुत ज्यादा वाटर होता है बहुत डीप होता है और वाटर क्या करता है अपना प्रेशर वाटर प्रेशर अपनी तरफ खींचता है मतलब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ और की कोर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नीचे की तरफ खींचता है वो भी ऐसा अपने नीचे की तरफ मतलब बटम पार्ट की तरफ एकदम बटम पार्ट में वो खींचता है इसलिए हम लोग उसे अगर वो तो इस इस डिरेक्शन पर इसे पॉइंट एग्जाम्पल ले लो वो इस डिरेक्शन में हम लोग प्रेशर कर रहे हैं हम लोग उसे उस चीज को इधर लाना चाहिए ऑपोजिट तो डायरेक्शन में मतलब हम लोगों को इतना प्रेशर प्रेशर करना होगा कि हम लोग इस वाले प्रेशर से ज्यादा हो के हम लोग का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए फिर आएगा इसलिए मतलब बहुत हार्ड होता है कभी कभी मतलब ये चीज जब हो जाती है ज्यादा टाइम हो जाती है इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक दो हफ्ते में पूजा के टाइम्स हमने बता रहा हूँ दशहरा फशहरा के टाइम में तो ये था प्रेशर एक्साइटेड बाय लिक्विड हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं अभी मैंने बताया कि वाटर बॉटम पार्ट में जो प्रेशर है वो एग्ज करता है तो बॉटम पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट सबसे नीचे वाला पार्ट ना तो अभी इस एग्जाम्पल में देखो इतना पानी है इस एग्जाम्पल पे इतना पानी है। तो इस वाले बलून में देखो कितना छोटा फूल जितना पानी हो गया देखो उतना बड़ा फूल क्योंकि पानी नीचे प्रेशर करता है बॉटम पार्ट में प्रेशर करता है पहले मतलब बॉटम पार्ट में यहाँ पे जितना प्रेशर नहीं होगा इतना इधर में ज्यादा होगा प्रेशर क्योंकि पानी बॉटम पार्ट्स में मतलब नीचे वाले पार्ट में एकदम एंड नीचे वाले बाद में बता रहा हूँ अर्थ की कोर मतलब तो, नीचे। तो वहां पे ज्यादा होता है या पानी जहां पे नीचे जाके खत्म हो रहा है वहां पे ज्यादा होता है क्योंकि पानी सब चीज नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है अर्थ की कोर की तरफ इसलिए देखो यहाँ पे जितना पानी है उतना ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे और ज्यादा इतना भर दो तो, ये और ज्यादा फूल जाएगा अब फिर इसको ऐसा पानी इधर तक कर दो ये छोटा सा हो जाएगा जितना पानी दोगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा प्रेशर का दो चीज कंफ्यूज मत हो जाना प्रेशर में जितना छोटा एरिया होगा उतना लार्जर प्रेशर होगा लेकिन पानी की तरफ में जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा बॉटम पार्ट में प्रेशर होगा ये चीज एकदम याद रखना ये चीज कुछ भी नहीं है जितना ज्यादा पानी होगा ज्यादा बॉटम पार्ट में बॉटम पार्ट देना बहुत जरूरी है बॉटम पार्ट मतलब लिख देना कॉपी में अगर ये चीज़ मिस करते हो तो टीचर काट देगी बस दिस बॉटम पार्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट पे होता है प्रेशर एकदम नीचे के पार्ट में तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा अगर पानी ज्यादा है तो जितना कम पानी होगा उतना कम प्रेशर होगा जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा so, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है ट्रांसप्लांट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप शुड बी अबाउट ट्वेंटी स्केल से माप सकते हो हो एंड शुड बी ये आप लोग माप सकते जहां देखो मिल जाता है स्ट्रेस अब ये वाला एक्टिविटी ये वाला एक्टिविटी की तरह इसमें बोला गया कि आप लोग फिर थोड़ा थोड़ा पानी देके देके देखना कि बैलून कितना फूलता है यही है नाउ और एक एक्टिविटी है एक प्लास्टिक बॉटल यू कैन टेक दैट एंड दिस्गार्टेड वाटर जो आप मतलब तो पानी होता है

इधर से ना होल करके पाइप को अटैच कर देना होगा कोई भी पाइप मतलब थोड़ा सा हाई क्वालिटी वरना तो वाटर आएगा ना उसको तो तो फाड़ सकता है ना एक बेलून लगा देना अटैच कर देना उसको फिर इसको आ, मतलब पहले बेलून को अटैच करके ग्लू से जो भी मतलब खुलना चाहिए बस फिर पानी देना इधर पानी दिया आप लोगों ने फिर क्या होगा कि पानी यहां पे प्रेशर क्रिएट करेगा क्योंकि पानी तो कहीं से बाहर नहीं निकल सकता पानी क्या कर रहा है इसके डायमीटर बॉटल के डायमीटर में नीचे पोर्शन में जहां तक वाटर है प्रेस कर रहा है वो और उसे कहीं पर भी जाने की जगह नहीं मिल रही तो वो फिर उसे ये चीज देख लिया फिर उसने इधर सब प्रेशर एग्जर्ट कर दिया यहाँ पे जो प्रेशर था यहाँ पे जो प्रेशर यहां पे सब प्रेशर यहाँ पे कर दिए इसलिए क्या होगा अगर आप लोग बहुत ज्यादा पानी दे तो इधर तक या इधर तक ये बलून फट के पानी बाहर आ जाएगा क्योंकि पानी जहाँ पे मिलता है आप लोग बोलोगे ये एग्जाम्पल से क्या हम लोग को सीखने को मिलता है कि पानी को जहां पे प्रेशर के लिए जगह मिलता है वो वहां पे फुल प्रेशर क्रिएट करता है उसे कहीं पर जगह नहीं मिला यहाँ पे मिल गया इसलिए उन्हें सब प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर दिया और एक, एक देख लेते हैं पे ये वाला बोटल, सेम बोटल। आप लोग चार होल करना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पे और बैक साइड में और फिर एक ग्लास डिश या ग्लास डिश मतलब कुछ भी डिश बड़ा सा डिश में रख देना क्योंकि पानी ना गिरे ये घर में एग्जाम्पल करना ये बहुत याद रहेगा कि क्या प्रेशर था मतलब प्रेशर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बता रहा हूं सो लिक्विड इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ ये चीज का मतलब क्या देखो आप लोग ये होल ना सेम डेप्थ में करना सेम डेप्थ में यहाँ पे किया इधर से वन सेंटीमीटर ऊपर किया इधर से वन सेंटीमीटर ऊपर किया एकदम सेम डेप्थ रखना फिर देखना पानी जितना निकलेगा पानी एक जगह पे गिरेगा एकदम सेम जगह पे गिरेगा अगर आप लोग थोड़ा होल इधर कर दे तो फिर पानी देखना थोड़ा पीछे गिरेगा क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है जितना नीचे होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा और उतना ज़्यादा प्रेशर ज्यादा होगा इसलिए ज्यादा पानी निकलेगा मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपको यह आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन में नाउ द क्वेश्चन इज एक वाटर बॉटल लेते वाटर बॉटल में अगर हम लोग एक सब कुछ मिटा देता हूँ लोग को ये होल्स को भूल जाओ अगर हम लोग यहाँ पे एक होल करते हैं यहां पे एक बड़ा सा होल और यहाँ पे एक होल करते हैं एक छोटा सा होल नहीं मैंने उल्टा कर दिया सॉरी यहाँ पे एक बड़ा सा होल करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल करते हैं। अब आप लोग बोलिए कौन से होल से होल ए या होल बी से पानी निकलेगा कौन से होल से ज्यादा पानी निकलेगा दोनों से पानी तो निकलेगा अगर पानी फुल के फ़िल कर देना सॉरी <स्थाथ> तो इन दोनों में से कितना ज्यादा किससे पानी निकलेगा होल से ज्यादा पानी निकलेगा क्योंकि उसका होल एरिया ज्यादा है इसलिए ज्यादा पानी निकलेगा लेकिन उसका पानी जाके इधर गिर जाएगा इधर गिर जाएगा लेकिन इसका पानी जाके इधर इधर सपोज बहुत दूर चला जाएगा क्योंकि as, ये बहुत डाउन में है बॉटम पार्ट में है सेकेंड पॉइंट कि मैंने इसको छोटा होल क्यों कहा ये छोटा है क्योंकि जितना छोटा होगा उतना तो पानी कम निकलेगा और प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर तो ज्यादा क्रिएट होगा ना सपोज मी गिव एन एग्जांपल कि अगर इतना बड़ा होल होगा एक बोतल में तो फुल एरिया से पानी निकलेगा और पानी धीरे तो धीरे करके निकलेगा ज्यादा प्रेशर नहीं होगा अगर इतना होल हुआ तो ये सारा पानी यहाँ से निकलेगा तो सपोज कितना तो ये सारा पानी ना यहाँ से निकलेगा तो कितना हाई प्रेशर में वो बाहर आएगा सोचो तब फुल हाई प्रेशर में क्योंकि इतना सारा पानी तो यहां से निकलेगा कैपेबल नहीं है फिर भी उसे प्रेशर की तरह प्रेशर है इसलिए उसे एग्जर्ट करना होता है इसलिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में होता है ये भी हम लोग एग्जाम्पल से क्या सीखते हैं जितना कम होल होगा या एरिया ऑफ प्रेशर होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो अगर बड़ा एरिया होगा तो प्रेशर कम होगा छोटा एरिया हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हाँ देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कारण water bottle, water bottle वो बाहर नहीं निकल सकता इसलिए वो जब होल उसे मिल जाता है या बलून हम लोग ने जो अटैच किया था पिछले वाले एक्टिविटी में वहां से सब प्रेशर एक्सर्ट करता है सो दिस प्रूव वॉट दिस प्रूव मीन कंटेनर में वॉल्स वॉल्स के कंटेनर में भी प्रेशर होता है इसलिए देखो प्रेशर ज्यादा हो जाता है जब आप लोग एक होल करते तो हो उसमें ज्यादा प्रेशर हो जाता है क्योंकि सब पानी वहां से ही निकलना चाहते हैं इसीलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ना देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हम लोग थोड़ा 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 करके अभी

अभी देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्या ट्रिकी क्वेश्चन है हम लोग वाटर पार्ट से अभी एयर पार्ट में आए एयर पार्ट में क्या तो सो वी फाइंड दैट गैसेस टू प्रेशर ऑन द द वॉल्स ऑफ कंटेनर अभी मैं एकदम एग्जा, इजी एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग फुटबॉल खेलते हो जो फुटबॉल ने ज्यादा पान देना देखना बहुत ज्यादा दे देना फिर देखना वो फट जाएगा एक एक बार दो बार किक करना वो फट जाएगा क्योंकि प्रेशर जो होता है वाटर की तरह उसके सरफेस एरिया में मतलब कंटेनर कंटेनर मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वो बॉल फुटबॉल उसके वॉल्स में भी मतलब राउंड राउंड पार्ट में भी मतलब ये ये पार्ट में भी वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इसलिए वो फट के हवा निकाल जाते है। फिर एटमोस्फेयर में मिक्स हो जाता है साइकिल ट्यूब में भी ज्यादा हवा दे दोगे फट जाएगा क्योंकि वो बाहर की तरह सब एक चीज याद रखना एयर हो या वाटर हो प्रेशर ऐसे करता है बाहर की तरफ कोई अंदर की तरफ नहीं करता है। सब लोग बाहर की तरफ करते दिस इज रॉन्ग सब लोग बाहर की तरफ करते इसलिए क्या होता है सरफेस एरिया में मतलब वॉल्स में प्रेशर होता है इसलिए वो बाहर आ जाता है ज्यादा जाद जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो वाटर और एयर में कुछ चीज नहीं है अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एटमोसफेरिक प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं सो so, i think you have understood if you have any doubt regarding this chapter come if you want you can just do this activity it will help you to understand well so this is it for the video pressure exerted by liquids and gas we have also completed this we have revision this we have did this on our powerpoint now we have did revision also so this is it for the video thank you thank you very much and share with your friends and consider subscribing for further videos